दोस्तों अब से हम आपके लिए हर वीडियो में सबसे पहले न्यूज़ शेयर कवर करेंगे और उस न्यूज़ के बाद में आपको उस शेयर के बारे में बताएंगे कि अब आपको क्या स्ट्रेटजी लेकर चलना है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो के अंदर जो सबसे पहले शेयर्स के हम बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को लेकर आज के दिन दो बड़ी अपडेट मार्केट के अंदर निकल कर आई हैं। तो आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स इन टॉक्स विद फोर्ड टू टेक ओवर इट्स टू इंडिया प्लांट्स। जैसा कि आपको पता है कि फोर्ड ने इंडिया को पूरी तरीके से एग्जिट करने का मन बनाया है और जिसमें टाटा मोटर्स फोर्ड के दो प्लांट को यहां पर पूरी तरीके से एक्वायर करने का मन बना रही है। आज के दिन भी हमें एक और बड़ी अपडेट्स इसी न्यूज़ को लेकर आते हुए देखने को मिल रही है। आफ्टर टू मंथ्स फोर्ड अनाउंस इट्स प्लान टू एग्जिट इन इंडिया। और इसी को देखते हुए तमिलनाडु एंड गुजरात के जो प्लांट है फोर्ड के उसे यहां पर फोर्ड पूरी तरीके से सेल करने का मन बना रही है, जिसे टाटा मोटर्स एक्वायर करने का खरीदने का मन बना रहा है। तो आज के दिन वापिस हमें ये खबरें लाइमलाइट में आते हुए देखने को मिल रही है। जैसा कि आपको बताया कि टाटा मोटर्स अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए कंटिन्यूसली इंडिया के अंदर नए प्लांट यहां पर एस्टेब्लिश कर रहा है और इसी को लेकर यह न्यूज हमें आते हुए देखने को मिल रही है। अनदर अपडेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं टाटा नेक्सॉन बिकॉम कॉस्टलियर बाय ₹11,000 इन इंडिया। यानी कि अगेन टाटा मोटर्स ने अपने टाटा नेक्सॉन के वेरियंट की प्राइसेस वापिस इंक्रीज कर दी है। आप देख सकते हैं आज ही के दिन की यह न्यूज निकल कर आई है, जिसमें टाटा मोटर्स को तो इसका बेनिफिट मिलेगा लेकिन हाँ, टाटा मोटर्स के जितने भी कस्टमर्स है उनको यहां पर एक झटका लग सकता है। चलिए ये तो बात हो गई न्यूज के बारे में, अब बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के अंदर अब आपको क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलना है। तो टाटा मोटर्स जहां लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें इस शेयर्स के अंदर लगभग 6.5% से भी ज्यादा की करेक्शंस देखने को मिले हैं, वहीं टाटा मोटर्स का शेयर्स अगर मंडे के दिन भी डिक्लाइन होता है तो यहां पर आप ₹410 के सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स बिल्कुल भी बुरा नहीं है, पहले भी मैंने कहा है, लेकिन अभी आप फ्रेश पोजिशन को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हम आपके साथ न्यूज़ शेयर करेंगे, तो अगले जिस शेयर के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है IRCTC। IRCTC को लेकर भी मार्केट में आज तीन बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। डेट मैंने आपको कंफर्म करवा दी है और आप देख सकते हैं रामपथ यात्रा एक्सप्रेस IRCTC फ्लैग्स ऑफ स्पेशल ट्रेन ऑफ पिलग्रिमेज टू अयोध्या। तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं IRCTC अपने टूरिज्म के बिजनेस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है और जिसको देखते हुए आज एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बड़ी अपडेट्स हमें इसी टूरिज्म कॉरपोरेशंस को लेकर देखने को मिल रही है। अगली अपडेट भी आप देख सकते हैं इंडियन रेलवेज IRCTC लॉन्चेस बेंगलुरु मैसूर विद दक्षिण दर्शन यात्रा फ्रॉम मुंबई। तो यहां पर डेली बेसिस पर हमें टूरिज्म कॉरपोरेशन को लेकर बड़ी अपडेट्स IRCTC की तरफ से आते हुए देखने को मिलती रहती है और इसका इंपैक्ट आपको जैसा कि मैंने कहा क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर भी आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ यहां पर एक और बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है कि IRCTC अब यहां पर फूड सर्विसेज के बाद में जो ट्रेन के अंदर ब्लैंकेट्स और बेडशीट्स की सर्विसेज हैं उसे भी वापस यहां पर री एंट्री करने जा रही है। तो इसका भी IRCTC को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगली अपडेट्स की बात करें तो वो भी टूरिज्म को लेकर ही आप देख सकते हैं IRCTC टूरिज्म पैकेज टू गुजरात। तो जैसा कि आपको बताया कि मैंने आपको सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी बताया था कंपनी का, जिसमें कंपनी को टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है और इसी पर IRCTC का फोकस हमेशा से बहुत ज़्यादा रहता है। तो यदि आपने भी IRCTC के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर भी आप अपनी पोजीशंस को लॉन्ग टर्म पर्पस से कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं और साथ ही साथ शेयर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो ₹800 का है। लॉन्ग टर्म पर्पस से ये शेयर्स आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। फ्रेश पोजीशंस को अभी आप IRCTC के अंदर भी थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। टेक्सटाइल बिजनेस को लेकर यहां पर आज के दिन हमें एक और बड़ी अपडेट्स आते हुए देखने को मिल रही है। आप सबसे पहले डेट कंफर्म कर सकते हैं, मैं आपको न्यूज के ऊपर ले जाता हूं। आप देख सकते हैं GST डिफेक्ट्स मीटिंग विल सबमिट फाइनल रिपोर्ट टू काउंसिल नेक्स्ट मंथ। तो यहां पर दिसंबर मंथ के में जो हमें GST की काउंसिल मीटिंग यहां पर होते हुए देखने को मिलने वाली है, जिसकी फाइनल रिपोर्ट आज के दिन काउंसिल को यहां पर सेंड कर दी गई है, सबमिट कर दी गई है, जिसमें जो GST रेट्स को इंक्रीजन को लेकर यहां पर अपडेट निकल कर आ रही थी कि टेक्सटाइल बिजनेस पर जो अभी आपको 5% GST देखने को मिलता है और उस पर 12% GST 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल करने की बात यहां पर निकल कर आ रही थी, फाइनली उसको लेकर यहां पर जो रिपोर्ट है वो यहां पर काउंसिल को सबमिट कर दी गई है। अब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से दिसंबर मंथ में क्या बड़ी अपडेट निकल कर आती है उसका आउटकम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हर टेक्सटाइल बिजनेस के ऊपर।
ट्राइडेंट की बात करें तो ट्राइडेंट के अंदर कल के दिन मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्राइडेंट के प्रमोटर्स ने यानी कि लोटस इंडिया ने लगभग 40 लाख शेयर्स यहां पर सेल आउट किए हैं। तो अगर आपने उस पूरी वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा प्लीज आपसे यहां पर एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि आप कोई सी भी वीडियो देखें तो कंप्लीट वीडियो देखें और हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करें। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ने इनकंप्लीट वीडियो देखी और उनका कहना है कि यहां पर आप ट्राइडेंट के अंदर सेलिंग का प्रेशर बना रहे हैं और ट्राइडेंट गिरने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने पूरी कंप्लीट वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें यही कहा है कि ट्राइडेंट के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पज से बने हुए हैं तो शेयर्स बिल्कुल भी बुरा नहीं है और हमेशा से मैंने शेयर्स को लेकर आपको पॉजिटिव ही रहने को कहा है क्योंकि कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, कंपनी का मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है और कंपनी लॉन्ग टर्म पर्पस से काफी ज्यादा बुलिश है। तो यदि आपने ट्राइडेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग होना पॉसिबल है क्योंकि शेयर्स आरएसआई लेवल एमएफआई लेवल पूरी तरीके से ओवरबॉट जोन में देखने को मिल रहा है। 95 प्लस इसका आरएसआई हमें देखने को मिल रहा है जिस कारण से यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आना पॉसिबल है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पस से बने हुए हैं तो यहां पर अगर गिरावट भी होती है तो आप बाय ऑन डिप करते हुए चल सकते हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड अगर डिक्लाइन भी होता है मंडे के दिन तो आप इसके अंदर नेक्स्ट जो सपोर्ट है इसका 46 रुपीस का आप इसके अंदर लेकर चल सकते हैं। हालांकि इसके जो चांसेस हैं वो तो अभी भी हमें अपर सर्किट के ही देखने को मिल रहे हैं। और एक और बात, प्रमोटर्स अगर माल बेचते भी हैं तो इससे आपको ज़्यादा घबराना नहीं है क्योंकि आपकी तरफ से ही जो यहाँ पर अपडेट निकल कर आई थी 100% मैं भी उससे एग्री करता हूँ कि यहाँ पर कंपनी अपने डेब्ट को रिड्यूस करने के लिए अगर अपने प्रमोटर्स का थोड़ा बहुत स्टेक यहाँ पर अगर सेल आउट भी करती है तो उससे बिल्कुल भी पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। मैं पर्सनली ट्राइडेंट का शेयर होल्डर हूँ इसलिए मैं आपको कभी भी कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज देने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा। बाजार की खबर ऑफिशियल चैनल के थ्रू आपके साथ जो भी अपडेट शेयर करी जाती है वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही शेयर करी जाती है क्योंकि हमें बताया कि रिटेल इन्वेस्टर और हमारे फैमिली मेंबर्स का पैसा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा मत सोचिए कि हम आपके साथ कोई नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो चलिए, उम्मीद है आप हमारी इस अपडेट को समझे होंगे। अब देख सकते हैं पिछले मैक्सिमम ईयर्स में ट्राइडेंट लिमिटेड ने 11,410% तक के शानदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं और आगे भी ये तेजी कंटिन्यू रहने वाली है। दोस्तों, आज के अनदर जिस शेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है पेटीएम आईपीओ, जहां पर आज के दिन आपको पेटीएम का क्वार्टर टू का रिजल्ट देखने को मिल चुका है। पेटीएम के आईपीओ के अंदर जो क्वार्टर टू के रिजल्ट के अंदर हमें 64% तक की रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिल चुकी है। वही कंपनी ने क्वार्टर टू के अंदर 474 करोड़ रुपए का यानी कि 474 करोड़ रुपए का नेट लॉस यहां पर डिक्लेयर किया है जो कि लास्ट ईयर के क्वार्टर टू में हमें 437 करोड़ रुपए का देखने को मिल रहा था। तो लॉस कंपनी का अभी भी यहां पर कम नहीं हुआ है और बल्कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो लॉस हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, पेटीएम की जो परफॉर्मेंस है वो आने वाले टाइम में काफी स्ट्रांग आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आप डेफिनेटली यहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश पोजीशंस बनाना चाहते हैं तो अभी आप पर्सनली इस शेयर से थोड़ा सा यहां पर दूर रह सकते हैं क्योंकि जिस प्रकार के सेंटीमेंट बन रहे हैं पेटीएम के अंदर भी आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आप पेटीएम के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट आप 1590 रुपये का लेकर चल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 1590 रुपये का सपोर्ट, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो आईपीओ अभी करंटली आपको मार्केट में आते हुए देखने को मिलने वाले हैं उनकी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या निकल कर आ रही है, जिसमें सबसे पहले बात करें टेगा इंडस्ट्रीज की, जो कि आपको 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच में ये आईपीओ देखने को मिलेगा जिसकी प्राइस बैंड 443 रुपये से लेकर 453 रुपये पर शेयर्स की यहां पर रखी गई है, जिसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें 250 रुपये यहां पर देखने को मिल रही है। यानी कि आईपीओ के आने के पहले ही हमें जीएमपी के अंदर काफी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं स्टार हेल्थ के आईपीओ की बात करें जो कि 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसकी प्राइस बैंड 870 रुपये से लेकर 900 रुपये रखी गई है और यहां पर हमें स्टार हेल्थ की भी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 30 रुपये देखने को मिल रही है। अगले शेयर्स के बारे में बात करें जिसकी नाम है गो फैशन, जिसकी लिस्टिंग हमें यहां पर बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है और अगर यहां पर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 430 रुपये हमें इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रही है। वहीं अडानी विलमार की बात करें जहां पर अभी तक इस आईपीओ की डेट अनाउंस नहीं हुई है, ना ही प्राइस बैंड अनाउंस हुआ है, लेकिन इसकी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें 100 रुपीज देखने को मिल रही है। तो यदि आप किसी भी आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और अगर अभी तक आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अपस्टॉक्स
की लिंक दी हुई है जहां से आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। साथ ही साथ ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।